स्वागत है आपका अपने सतीश आरटीबीपी चैनल पर। जैसे कि मैं जो है ये साइंस के क्वेश्चन हैं, ये जितने भी क्वेश्चन आते हैं सारे रेलवे ग्रुप डी में आते हैं। मैं इन्हीं से संबंधित क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। ये जो है शाखाओं से संबंधित या अध्ययन से संबंधित क्वेश्चन है। मैं ये पार्ट टू शुरू करने जा रहा हूँ। जो पार्ट था मैंने 10 क्वेश्चन पढ़ाए हैं और आज जो है पार्ट टू हम पढ़ाने जा रहे हैं। इसमें सिर्फ 10 क्वेश्चन हैं और मैं क्वेश्चन जो उलट या पलट कर आते हैं अध्ययन से संबंधित या शाखाओं से संबंधित क्वेश्चन, मैं उसको बताऊंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना फ्रेंड। चलो मैं वीडियो यहीं पे शुरू करता हूँ। जैसे कि हमारा विज्ञान, विज्ञान की विभिन्न शाखाएँ, इसमें क्वेश्चन ऐसे बनता है कि जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, इसको पूछेगा कि बैक्टीरियोलॉजी कौन से अध्ययन से संबंधित है, तो हम इसको आंसर बताएंगे जीव अणुओं का अध्ययन से संबंधित है। इसको ही पलटकर पूछेगा शाखाएं, तो जैसे पूछ लिया कि जीवाणुओं का अध्ययन कौन सी शाखाएं हैं, जीवाणुओं के अध्ययन की कौन सी शाखाएं हैं या कौन सी शाखाएं से संबंधित है, तो हमारा आंसर आ जाएगा बैक्टीरियोलॉजी। अब क्वेश्चन नंबर अगला हमारा 12 है, क्रोमेटोलॉजी कौन से अध्ययन से संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा फूलों के रंगों का अध्ययन से संबंधित है। इसी को पलटकर दे दिया जाएगा कि फूलों के रंगों का अध्ययन कौन सी शाखाओं से संबंधित है, तो क्रोमेटोलॉजी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है, क्रोमोग्राफी कौन से अध्ययन से संबंधित है या कौन सी कला से संबंधित है, तो आंसर हमारा आ जाएगा नक्शा बनाने की कला से संबंधित है। इसको ही पलट कर दिया जाएगा कि नक्शा बनाने की कला कौन सी शाखाएं हैं या कौन सी शाखाएं से संबंधित है, तो आंसर हम बोलेंगे क्रोमोग्राफी बोलेंगे। अब उसी तरह अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, डर्मेटोलॉजी कौन सी शाखाएं से संबंधित है, तो आंसर आ जाएगा त्वचा रोगों का अध्ययन से संबंधित है। इसको भी पलट कर पूछेगा कि त्वचा रोगों का अध्ययन कौन सी शाखाओं से संबंधित है, तो आंसर आ जाएगा डर्मेटोलॉजी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, इथोलॉजी कौन से अध्ययन से संबंधित है या कौन से गुण से संबंधित, तो आंसर होगा हमारा जीवों के प्रजातियों के गुणों से संबंधित है या गुण से संबंधित है। इसको भी पलट कर पूछेगा कि जीवों के प्रजातियों के गुण कौन सी शाखाओं से संबंधित है, आंसर आ जाएगा इथोलॉजी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन 16 नंबर, ऑर्निथोलॉजी जो है कौन सी अध्ययन से या कौन से अध्ययन से संबंधित है, या हमारा आंसर हो जाएगा स्वप्नों का अध्ययन से संबंधित है या स्वप्नों का अध्ययन से संबंधित है। इसको भी पलट कर पूछेगा कि स्वप्नों का अध्ययन कौन सी शाखाओं से संबंधित है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑर्निथोलॉजी हो जाएगा हमारा आंसर। इसको भी 17 क्वेश्चन हो जाएगा हमारा कि जेनेटिक्स कौन से अध्ययन से संबंधित है, तो हमारा हो जाएगा आंसर वंशानुगत गुणों का अध्ययन से संबंधित है। इसको भी पलट कर पूछ लेगा कि वंशानुगत गुणों का अध्ययन कौन सी शाखाओं से संबंधित है, तो जेनेटिक्स से संबंधित है। अगला क्वेश्चन 18 नंबर, कॉस्मोग्लॉजी कौन से अध्ययन से संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा समस्त ब्रह्मांडों का अध्ययन से संबंधित है। इसका भी पलट कर पूछ लिया, जैसे कि समस्त ब्रह्मांडों का अध्ययन कौन सी शाखाएँ हैं या शाखाओं से संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा कॉस्मोलॉजी शाखा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन 19 नंबर, नेफ्रोलॉजी कौन से अध्ययन से संबंधित है, तो आंसर इसका हो जाएगा गुर्दा का अध्ययन या गुर्दा का अध्ययन से संबंधित है। इसको भी पलट कर पूछ लिया, गुर्दा का अध्ययन कौन सी शाखाओं से संबंधित है, तो नेफ्रोलॉजी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन लास्ट हमारा है, न्यूरोलॉजी कौन सी या कौन से अध्ययन से संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा हमारा मस्तिष्क रोग का अध्ययन। इसको भी पलट कर एग्जाम में पूछ लिया कि मस्तिष्क रोग का अध्ययन कौन सी शाखा है या मस्तिष्क रोग का अध्ययन कौन सी शाखा या कौन सी शाखा से संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा हमारा न्यूरोलॉजी। ये लास्ट क्वेश्चन था। तो चलो मैं वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।